ये तस्वीरें हैं सोहना के पलवल रोड की, जहां पर ये जेसीबी का पीला पंजा चलता दिखाई दे रहा है। वहां कुछ लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटकर निर्माण शुरू करवा दिए थे। कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिषद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुबह से ही पूरे दल बल के साथ सड़कों पर निकल पड़े, जिनके साथ भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनें थी। परिषद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी किसी को भी नहीं थी। अधिकारियों की गाड़ियां जब पलवल रोड पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर निर्धारित स्थान पर काटी अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला डाला। परिषद ने वहां पर बसाए करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में तोड़फोड़ की और उनमें निर्मित अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई कई घंटे तक चली। कार्रवाई के बारे में नगर परिषद के अधिकारियों ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। प्रशासक के आदेश है, डीओ साहब के एमसी शर्मा से आदेश है। तो एक देश मिले लगभग 8-10 एकड़ में कॉलोनियाँ बसी रेस कॉलोनी इत्यादि अवैध जो भी निर्माण आगे क्या आगे की आपकी ये कार्रवाई चलती रहेगी अवैध निर्माण को भी। तो इनको जो आपने कोई नोटिस वगैरह जारी करे थे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई है जिनकी आप तोड़ मतलब प्रशासन के आदेश है कि अवैध कॉलोनियाँ तोड़ो भी है। हाँ हाँ, जिनके मकानों को नोटिस दिए गए हैं और तोड़फोड़ ये लगातार जारी रहेगी। ये इलीगल कॉलोनाइजर कॉलोनियाँ जो काटते हैं उनको रोकथाम के लिए ये लगातार चला जाएगा। तो करीब कितने दर्जन कॉलोनियाँ ये पलवल रोड पे या जिस भी रोड पे जो कॉलोनी कॉलोनाइजर काटते हैं उनको सबको रोका जाएगा, किसी को नहीं रोक सकता। कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नगर परिषद द्वारा की गई तोड़फोड़ मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गई है। दस्ते ने केवल चार दीवारी और सड़कों को ही निशाना बनाया, जबकि निर्मित किए गए पक्के मकान ज्यों के त्यों बने रहे। बता दें कि सोहना नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। कॉलोनाइजर बगैर सरकार और प्रशासन की अनुमति के अवैध कॉलोनियां काटने में लगे हैं, लेकिन आज हुई ये कार्रवाई महज खाना पूर्ति ही बनकर रह गई। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।